गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इरशाद अहमद, परीक्षा प्लस में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज जो शुरू होने वाला है चैप्टर, नया चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य। ठीक, इससे पहले दिल्ली सल्तनत समाप्त हो चुका है। तो मुग़ल साम्राज्य शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा फिर हम थोड़ा सा बस पीछे चलते हैं। लोदी यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोदी वंश। ठीक, ध्यान दीजिएगा अभी इसको। ठीक, जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी, ध्यान दीजिएगा, इब्राहिम लोदी था जो वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ठीक, अंतिम शासक तो था ही, लेकिन पहले अफगान का भी अंतिम शासक था। जो पहला अफगान वंश था, यानी कि लोदी जो था पहले अफगान थे, जो अफगान वंश था तो पहले अफगान वंश के अंतिम शासक। ठीक, तो ये समझिए क्या हुआ था कि इनसे कुछ लोग भारत के जो शासक थे, कुछ लोग इनसे जलते थे या इनसे थोड़ा सा उस दृष्टि से देखते थे कि अब इनको समाप्त किया जाए, इनको हटाया जाए। ठीक, तो जो वो शासक जो थे दो थे। ठीक, एक राणा सांगा सांगा थे और एक थे लोहानी। ठीक, ये थे। तो अब ये लोग क्या किए कि इनसे निपटने के लिए, ठीक, अब सोचिए कैसे किसको बुलाया जाए। अब इस लोग बाबर को आमंत्रित करते हैं इनको हराने के लिए। ठीक, तो बाबर क्या करते हैं, इनको तो पराजित करते ही हैं, इनको तो मारते ही हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, इनको तो समाप्त कर देते हैं, यानी कि दिल्ली वंश को समाप्त कर देते हैं, सल्तनत को। ठीक, फिर इनको हराने के बाद बारी बारी से राणा प्रताप, राणा सांगा को भी हराते हैं खानवा के युद्ध में। ठीक, फिर इनको भी पराजित कर देते हैं। ठीक, तो यानी कि ध्यान दीजिएगा कि जो इनको निमंत्रण दिए थे, निमंत्रण खुद समझिए कि राणा सांगा दिए थे, लोहानी दिए थे, तो उनको पराजित करने के बाद बाबर भारत में आ करके इनको भी पराजित कर दिए। ठीक, तो इनसे तात्पर्य ये था कि जो 1517-18 में खटोली के युद्ध में राणा सांगा जो थे इनको पराजित किए थे। किनको? इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं। ठीक, तो पराजित करके आते हैं भारत में, यानी कि भारत में समझिए कि ये इनको पराजित कर देते हैं। फिर ये समझिए इनको जो पूर्ण रूप से पराजित, यानी कि युद्धस्थल में मरने वाला पहला शासक, सल्तनत में, सल्तनत काल का पहला शासक युद्धस्थल में मरने वाला इब्राहिम लोदी है। ठीक, तो यही बताना था इससे। अब देखिए, अब आइए थोड़ा सा प्रारंभिक इतिहास जान लेते हैं आपको। जैसे इसमें देखिए आपको करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि राजनीतिक में देखिए बस क्या पढ़ना है, पढ़ना तो सब पढ़ाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आता है प्री में यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है उसमें समझिए कि राजनीतिक से बहुत कम क्वेश्चन आता है, यानी कि लड़ाई से, युद्ध से बहुत कम क्वेश्चन आता है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो समझिए कि स्थापत्य और साहित्य से आता है। ठीक, तो हम सब पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरह से बताएंगे आपको, लेकिन ये है कि इसको भी बताएंगे, सबसे पहले हम इसको बता देंगे, फिर इसको भी बताते चलेंगे साथ में। ठीक, साथ में जैसे अकबर के कार्यकाल में क्या हुआ था, बाबर के कार्यकाल में कौन सी संरचना हुई थी, कौन सा स्थापत्य बना था, सब बताते जाएंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, स्थापत्य कला पूरे मुगल काल का वो बता देंगे, फिर साहित्य पूरा एक साथ बता देंगे। ठीक, फिर आते हैं देखते हैं कौन सा स्थापक है भारत में। ठीक, तो पहले एक बार थोड़ा सा जान लीजिए, फिर हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जान लीजिए जो बाबर थे कहाँ के थे, कहाँ के कैसे क्या थे। तो बाबर थे तो वो क्या थे कि इनके पिताजी मिर्ज़ा उमर शेख। ठीक, इनके पिता, बाबर के पिता मिर्ज़ा उमर शेख ये फरगना की इनको जागीर मिली थी। अब ये कहा जाता है कि इनके भाइयों ने इनको मार दिया, जब समझिए कि ये मारे थे इनके भाई लोग इनको, जैसे भी मारे थे, ये कहानी आपको नहीं जाननी है। ठीक, जो बाबर थे,
अब समझिए कि जब ये मरे थे तो वो समझिए कि 11 वर्ष के बाद, यानी कि बार लगभग 12 वर्ष के थे, ठीक। तो अपना फरगना में, ठीक, फरगना में राज्याभिषेक करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी भारत में एंट्री नहीं हुई है, ठीक। फरगना में राज्याभिषेक करते हैं। जो इनकी इनका जो राज्याभिषेक होता है, तो समझिए कि इनकी दादी, ठीक, दादी एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत इनकी दादी। ध्यान दीजिएगा, अगर आ जाए क्वेश्चन इनका राज्याभिषेक किसने किया था, तो इनका राज्याभिषेक बाबर का एहसान दौलत। नाम तो ऐसे नहीं बहुत ज्यादा पूछता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दादी थी, इनकी दादी की थी। तो इनके समय क्या है, जब ये राजा बने यहाँ के, तो दो चुनौतियां थी। सबसे पहले चुनौती थी समरकंद, समरकंद। अब ध्यान दीजिएगा, समरकंद क्या था, तुर्कों की राजधानी थी। अब दूसरा क्या था, दूसरी चुनौती क्या थी, काबुल। दूसरी चुनौती इनके पास काबुल थी, ठीक। अब दोनों को, दोनों सत्ता, दोनों स्थान को पाने के चक्कर में होता क्या है कि दोनों जगह हार जाते हैं। समरकंद क्यों था, जो समझिए कि ये माना जाता है, जो तुझके बाबरी है, इनकी रचना है, तुर्की में लिखी गई है, उसमें ये कहा गया है कि ये जो थे, जो आप बताए थे ना तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था, तो ये तुर्कों की राजधानी थी, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये पिता की तरफ से, पिता की तरफ से, ठीक, तैमूर के, अभी आएगा, तैमूर के पांचवें वंशज थे, ठीक, पिता की तरफ से, ठीक। तैमूर यानी कि तैमूर की राजधानी यहाँ थी, ठीक, समरकंद, ठीक। यानी कि जो तैमूर के थे, 1398 ईस्वी में तैमूर भारत में आक्रमण किया था तुगलक के कार्यकाल में। तो ये कहते हैं तुझके बाबरी में, ध्यान दीजिएगा इनका साक्ष्य मात्र एक है, तुझके बाबरी, ठीक। तो उसमें कहते हैं हम पिता की तरफ से पांचवें वंशज है, किसके, तैमूर के। और देखिए माता की तरफ से, माता की तरफ से चंगेज खां के 14वें वंशज हैं, ठीक, 14वें वंशज। ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए ये क्या कहते हैं कि हमारा जो खून है वो तुर्क और चंगेज दोनों का मिश्रण है, ठीक, मिश्रण है। तो इसलिए क्या कि समझिए कि बहुत महत्वाकांक्षी राजा हुए बाबर जो थे, बहुत बहुत महत्वाकांक्षी राजा। अब देखिए यहाँ पे आइए, चंगेज कौन थे, देखिए बता चुके हैं आपको, 1221 ईस्वी में चंगेज का भारत में, पहले चंगेज ये मंगोल थे, भारत का अपने पहला मंगोल आक्रमण, आक्रमणकारी चंगेज खां था, जो 1221 ईस्वी में आक्रमण करता है। तो इस समय भारत का राजा कौन था, इल्तुतमिश था, ठीक। तो एक आते ध्यान दीजिएगा, आप नोट भी कर लीजिएगा, 14वें वंशज माता की तरफ से और पिता की तरफ से पांचवें, ठीक, तैमूर के। फिर देखिए, फिर अंततः देखिए, ध्यान दीजिएगा कि 1504 में एक काबुल जीतते हैं, 1504 में काबुल जीतते हैं, और समरकंद 1496 में, ठीक, जीतते हैं फिर हार जाते हैं, ठीक। हारते क्यों, समझिए कि यहाँ लोग कहते हैं जो कहानी है कि यहाँ पे 100 दिन राज्य किए थे समरकंद में, अभी उम्र ही कितनी थी, देखिए उम्र ही कितनी थी, उम्र समझिए कि अब समझिए 96 में 13 वर्ष, 14 वर्ष, ठीक। ऐसे ही यही समझिए कि इतना महत्वाकांक्षी राजा थे। फिर क्या होता है, फिर आपसे बताए थे ना राणा सांगा जो थे और समझिए कि लोहानी थे, भारत में इनको आमंत्रित करते हैं, तो भारत में आ जाते हैं। फिर और चीज देखिए, भारत में जब आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं तो समझिए भारत की सत्ता ही प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। आइए देखते हैं थोड़ा सा और कहानी इनमें, ठीक। फिर क्या होता है, देखिए आपसे कहते ना इतिहास हम आपके लिए बहुत आसान कर देंगे, बस आप इतिहास में बस कुछ चीज, कुछ करेक्टर आप बस याद रखिए, सबको नहीं याद रखना है, ठीक ना, अभी तक कोई सन नहीं याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर क्या करते हैं, पहला सन 1507 ईस्वी, ठीक, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530। अब ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही सन आप याद रखिए, ठीक, इतना ही सन याद रखिए सीक्वेंस में, देखिए 26, 27, 28, 29, 30। अब ध्यान दीजिएगा कि जो इनके पिता थे, उमर मिर्जा, मिर्जा उमर शेख। अब ये क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले दिल्ली सल्तनत में जो राजा हो जे होते थे, उनकी उपाधि क्या होती थी, सुल्तान का रूप, सुल्तान की उपाधि धारण करते थे।
ये क्या करते हैं, अपनी मिर्जा की उपाधि त्याग करके, कौन, बाबर, मिर्जा की उपाधि त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि हम बहुत महत्वाकांक्षी तो थे ही, कि हम सिर्फ और सिर्फ इस फरगना के और समरकंद के काबुल के शासक के रूप में नहीं है, ठीक, शासक, क्योंकि ये बहुत लंबा सोचते थे, क्योंकि ये सोचते थे कि हम बहुत आगे बढ़े, ठीक। अब देखिए फिर क्या करते हैं, 1507 ईस्वी में बादशाह या पादशाह भी मिलता है, अब ध्यान दीजिएगा, बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण करते हैं, यानी कि भारत में सबसे पहले बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन है, तो बाबर हैं, बाबर हैं, जो इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक। यानी कि ये कहा जाता था कि अपने यहाँ समझिए कि काबुल में, समरकंद में, फरगना में ये दीवार बनाए थे, अब उस पे समझिए कि अपने पुत्र को लेकर के दोनों कंधे पे बैठा करके दौड़ते थे, कितने शक्तिशाली थे, ठीक। अब देखिए, अब पहला सन हो गया, दूसरा सन पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब देखिए, मुगल भारत में मुगल राज की स्थापना यही होती है, ठीक, पानीपत के प्रथम युद्ध से, ठीक। अब देखिए दूसरा, 27 में, 27 क्यों लिखे हैं, दूसरा सन 27 है, 27 इसलिए है, 27 में खानवा, खानवा का युद्ध होता है, ठीक। अब देखिए, खानवा का युद्ध होते ही इस पे मुहर लग जाती है, ये लोग क्या समझे थे, राणा सांगा थे जो, और भारत के इनके समकालीन शासक थे, वो ये समझे थे कि चलिए ठीक है, इब्राहिम लोदी की समाप्ति कर चुके, अब यहां से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेम कंडीशन यूरोपियों के आगमन का, यहां थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब वो आए थे तो प्लासी का युद्ध तो लड़ चुके थे, तो ये हुआ कि प्लासी का युद्ध लड़ लिए, तो फिर बक्सर का युद्ध उन पे, उनकी सत्ता पे मुहर लगा देती है कि हाँ, अब अस्थायी रूप से अंग्रेज जो थे भारत में अपना प्रभुत्व जमा चुके। अब यही था कि देखिए, जीतते तो पानीपत का युद्ध, लेकिन खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा करके ये समझिए कि स्थापित कर देते हैं, ठीक। यही खानवा का युद्ध है जो समझिए कि हारते हारते ये जीते हैं, क्यों, क्योंकि इसी खानवा में ये समझिए कि गाजी, गाजी की उपाधि धारण करते हैं और जिहाद, जिहाद की घोषणा करते हैं इसी खानवा के युद्ध में, ठीक। फिर आता है चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। अभी बारी बारी सब बताएंगे, लेकिन आप जब जहां बाबर लिखिएगा वहां पे बस चार सन आप लिख लीजिएगा, ठीक, तो इससे समझिए कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक। फिर ये समझिए कि ये भारत में मुगल काल की स्थापना करते हैं, फिर समझिए कि इनकी मृत्यु हो जाती है, सबसे पहले देखिए मृत्यु, देखिए इनका लास्ट से जो, जब मृत्यु भी होती है तो उससे भी क्वेश्चन बनता है कि इनकी मृत्यु होती है तो दफनाया कहाँ जाता है, ठीक। दफनाया पहले, सबसे पहले दफनाया जाता है कि आगरा के आराम बाग में, फिर इनको समझिए कि वहां से खुदवा करके उनको, इनको काबुल में लेके जाया जाता है, यानी कि इनको, इनकी जो वर्तमान में इनका जो मकबरा है वो काबुल में है, ठीक। तो आइए अब बारी बारी से सब राजाओं को देखते हैं, और जहां बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पे थोड़ा आप लोग उसको जो बताएंगे उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। आइए, बाबर, ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, बाबर का जन्म, ठीक। अब देखिए, जन्म की डेट है, एग्जैक्ट है, सब किताब में मिलेगा, लेकिन आपको बताया ना, इनमें बस आप लिख लीजिएगा कौन कौन डेट आपको पढ़नी है, कौन कौन डेट आपको याद करनी है, ठीक। बहुत ज्यादा डेट याद करेंगे तो फिर वो समझिए कि, इसीलिए लोग कहते हैं ना इतिहास बहुत टफ है, क्योंकि अब लगेंगे सब कुछ याद करने तो टफ तो हो ही जाएगा, ठीक। तो जो डेट याद करनी है हम बताते चलेंगे। देखिए, इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ, ठीक। इनका जो देखिए मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जहीरुद्दीन, ये वैसे भी देता है कि मैचिंग में जहीरुद्दीन करके आगे क्या है, जलालुद्दीन का नाम अकबर है, तो जहीरुद्दीन का नाम बाबर है, ध्यान दीजिएगा, जैसे दे दिया जहीरुद्दीन, जलालुद्दीन और बहादुर, ठीक, ये तीनों मैचिंग करेंगे तो पता चल जाएगा किसका किसका नाम है, जैसे जहीरुद्दीन बाबर, जलालुद्दीन अकबर, बहादुर शाह, बहादुर, एक बहादुर शाह कौन है, बहादुर शाह वही रंगीला, ठीक, वो है, जैसे इस सबका उपनाम देता है मैचिंग में, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर, वही तैमूर जो 1300 अभी बता चुके हैं 98 में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक, तैमूर लंग, तो ये कहते हैं हम पिता की तरफ से पांचवें, पांचवें वंशज हैं, ठीक, तथा माता की ओर से चंगेज खान, जो 1221 ईस्वी में सबसे पहला मंगोल आक्रमणकारी था,
ठीक, तो वहां से हम 14वें वंशज हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक थे, दोनों समझिए कि आक्रमणकारी थे। अब दोनों इतने शक्तिशाली थे कि समझिए कि भारत में बहुत लूट किए। ठीक, अब बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा के फरगना में छोटे से राजे, यानी ध्यान दीजिएगा, ये फरगना में राजा अभिषेक किए थे। इनके पिता की जो उपाधि थी, पहली उपाधि मिर्जा की थी, तो ये मिर्जा एक बाबर पहले बादशाह हुए जो मिर्जा की उपाधि त्याग करके बादशाह या पादशाह, ठीक ध्यान दीजिएगा, बादशाह या पादशाह 1507 ईस्वी में उपाधि धारण करते हैं। ठीक, यानी कि सुल्तान की उपाधि, जो सल्तनत लोग सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, और मुगल में आके वो बादशाह की उपाधि लगे धारण करने हैं। ठीक, तो ये पहले राजा हैं। अभी देखिए, बादशाह की उपाधि धारण नहीं किए। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 94 में बैठा। ठीक, मगर ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पे क्या देखना है, गद्दी पे तो बैठा, लेकिन कहां की गद्दी पर, ध्यान दीजिएगा, जो इनकी पुश्तैनी रियासत थी फरगना, ठीक, फरगना की गद्दी पर 94 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में बैठा। अब ध्यान दीजिए, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। ठीक, बादशाह की उपाधि धारण करते हैं, बादशाह या पादशाह, ध्यान दीजिएगा, पादशाह की उपाधि धारण करते हैं, यानी कि अपूर्ण रूप से अस्थाई, जैसे दिल्ली सल्तनत में अस्थायित्व की प्राप्ति कब होती है, इल्तुतमिश के द्वारा। अब यहाँ पे समझिए, मुगल काल के जो बादशाह हुए, ये अब ये जैसे खलीफा इनको मान्यता दे देते हैं कि अब आप पादशाह की उपाधि धारण ले सकते हैं, इनको अब पूर्ण रूप से अब वेरीफाई हो गए ये। ठीक, अब देखिए, बाबर मातृभाषा, बाबर की मातृभाषा चगताई। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आए कि इनकी चतगई मतलब तुर्क, ठीक, तुर्क, अब ध्यान दीजिएगा कि सल्तनत काल, सल्तनत भी तुर्क थी और ये भी तुर्क थे। ठीक, मुगल भी तुर्क थे, लेकिन बाबर क्या थे, चतगई तुर्क थे, चतगई तुर्क थे, वेरी इंपॉर्टेंट, एक किस कौन से तुर्क थे, ये चतगई तुर्क थे। ठीक, आइए, तुर्क थे, जो इनकी रचना है तुझके बाबरी या बाबरनामा, वो तुर्की में ही लिखी गई है। ठीक ना, आपको बता चुके थे। अब देखिए, चतगई बाबरनामा, ठीक ना, अगर आ जाए चतगई या तुर्की आ जाए तो दोनों सही है। ठीक, तो तुर्की को ही चतगई क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इनमें जो मिश्रण था खून में, वो समझिए तुर्क और मंगोल दोनों का था। ठीक, अब देखिए, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, दिल्ली के सल्तनत के अंतिम वंश के अंतिम शासक, देखिए बता चुके थे, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के टोटल 3 युद्ध होते हैं, 1526, 1556 और 1761, तीनों युद्ध समझिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, इससे क्या होता है, एक सत्ता की समाप्ति होती है, दूसरी सत्ता की स्थापना होती है। ठीक, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, अब देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध अभी आएगा, बताएंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था उसमें समझिए बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारे जाते हैं और बाबर मुगल की स्थापना करते हैं, और समझिए जब युद्ध जीत लेते हैं तो जो इनके साथ सेनापति आए रहते हैं, सेना आते हैं, तो वो समझिए वापस जाने के लिए कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जितना धन की प्राप्ति होती है, एक एक चांदी का टंका पूरे सैनिकों को बांट देते हैं, पूरे सैनिकों में बांट देते हैं, और इनके पास कुछ नहीं बचता है। तो इसी के कारण उनको कलंदर कहा जाता है, किसको, बाबर को, सल्तनत काल के एकमात्र राजा जो कलंदर की उपाधि भी उनको कहते हैं, कलंदर भी कहते हैं, इसी कारण, क्योंकि उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। ठीक, फिर क्या होता है, जो यो युद्ध होता है तो उसमें समझिए कि भारत जमीन पे सबसे पहले पहली बार तोपों का प्रयोग होता है। ठीक, तोप का प्रयोग होता है, तोप खाना रहता है, तोप तोप क्या होते थे, तोप समझिए कि अभी आप देखते हैं युद्ध कैसे जीते थे, युद्ध समझिए कि होता क्या था, ये रास्ता है, ठीक, ये रास्ता है इतना चौड़ा, मान लीजिए 10 फिट चौड़ा है, तो इसको समझिए कि तोप यहाँ खुदाई कर देते थे। ठीक, ऐसा करते थे कि यहाँ से समझिए कि सेना चली जाए, फिर यहाँ से समझिए जब ऊपर आ जाती थी दूसरी टुकड़ी तो इनको उड़ा देते थे। ठीक, तो तोपखाने का सबसे पहले प्रयोग यहीं पे होता है। फिर जो पानीपत का युद्ध है, इसकी पद्धति, युद्ध की पद्धति जिसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, वो है तुगलमा पद्धति। ठीक, उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि सेना पीछे से, समझिए कि आप निकल गए, हम झाड़ी में छुपे हैं, तो हम पीछे से आप पे वार करते थे। ठीक, एक हिसाब समझिए गुरिल्ला। ठीक, तो उससे विजय प्राप्त करते हैं, युद्ध की पद्धति भी पूछता है, युद्ध की पद्धति क्या थी, तो तुगलमा पद्धति। ठीक,
गुरुमा पद्धति सीखे किससे थे? उस बेगों से सीखे थे, ध्यान दीजिएगा, उस बेगों से सीखे थे। तो समझिए कि उस बेग से सीखे थे, वो अभी अभी आएगा, अभी बताएंगे। तो एक युद्ध होता है 1501 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में युद्ध होता है सर, एक पुल का युद्ध होता है बाबर और शैवानी खां के बीच, ठीक, बाबर सर ए पुल, सर ए पुल का युद्ध होता है 1501 से 1502 ईस्वी के मध्य होता है, ठीक। अब ये समझिए कि भारत में नहीं लड़ा जाता है, ठीक। तो शैवानी खान ने बाबर को पराजित किया, बाबर को पराजित किया। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसमें शैवानी खान ने तुगलुमा पद्धति, ठीक, का प्रयोग किया था। अब समझिए, यही से ये बाबर इनसे सीखे थे, यानी ये उज्बेक थे, ठीक। यानी कि जो ये पद्धति है, इसके जन्मदाता कौन है? तो वो उज्बेक हैं, ठीक। आइए, ठीक। अब जब वो मर जाते हैं तो भारत में मुगल काल की स्थापना होती है। इस वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 22, यानी इस वंश मतलब मुगल, ठीक, 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान राज्य में का, ठीक ना, अफगानी राज्य कायम किए। इसका बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए इनका जो मतलब है वो भारत में है सबसे ज्यादा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जो आपको बताए थे, इनको आमंत्रित, यानी कि इनको आमंत्रित कौन किया था? आमंत्रित कौन किया था, ठीक, इनको कौन किया था आमंत्रित? ध्यान दीजिएगा, दौलत खान और राणा सांगा। किसके लिए? ये कहे थे कि अफगान वंश को आप आइए, अफगान को हटाइए, ठीक, यानी लोदी। देखिए, ध्यान दीजिए, ये दौलत खान लोदी है, यानी लोदी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध राणा सांगा और दौलत खान इनको आमंत्रित किए थे भारत में। अब समझिए कि भारत की स्थिति इस समय क्या थी, कि सब लोग आपस में लड़ रहे थे। जो स्थिति जब तुर्क भारत में आए थे, उस वो स्थिति थी, और वही स्थिति बाबर के समय में भी थी, ठीक। अब देखिए, पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा, ठीक, पहली बार तुगलमा नहीं दी। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले तुगलमा नीति कहाँ अपनाया गया, तो पानीपत के युद्ध में, ठीक, भारत की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे आ जाए कि पानीपत में युद्ध पद्धति, यानी युद्ध की नीति क्या, कौन सी नीति थी, तो तुगलमा पद्धति, ठीक। आइए, अब देखिए, उस्ताद, ये उस्ताद है, उस्ताद अली और मुस्तफा। अब देखिए, अगर यानी कि तोपखाना भी था इनके पास, ठीक, यानी तोपखाना भी था, तोपखाना के प्रमुख उस्ताद अली थे। कई बार क्वेश्चन आया है कि इनके बाबर थे, इनके तोपखाना का अध्यक्ष कौन था, तो उस्ताद अली खां थे, ठीक, उस्ताद अली खां थे। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बराबर बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों, यानी जिसको अभी बताया था ना, सब में बांट दिए, और इनके पास कुछ बचा ही नहीं, और इसलिए इनको कलंदर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक बाबर का कमेंट है कि जो पहले देखिए कि जो वो आए थे वो फिर से काबुल जाना चाहते थे। ये क्या कहें कि अब हमें स्वर्ग मिला है, क्या हम फिर उस नर्क में जा करके मरें? यानी इसका मतलब यही है कि हम समझिए कि अभी हमको भारत की सत्ता मिल गई है, अब हम जाके वहां पे काबुल में हम किससे किससे लड़ें, वहां पे हमारी जिंदगी क्या थी, कैसे रहते थे? तो वो लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। फिर समझिए कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। देखिए, वही बताए थे जो इनको सब पूरा खर्च कर लिए, फिर इनसे समझिए कि कलंदर इनको कहा जाता है, ठीक, उदारता के कारण इनको कलंदर कहा जाता है। मतलब कलंदर मतलब क्या, इनके पास कुछ बचा ही नहीं, पूरा धन क्या थे बांट दिए। अब ध्यान दीजिएगा, खानवा का युद्ध बताए थे ना, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है, ठीक, खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध जो होता है उसमें बताए थे ना, आपसे हारने ही वाले होते हैं, तो समझिए कि तुरंत समझिए कि दो तीन घोषणा करते हैं, ठीक, दो तीन घोषणा करते हैं कौन, बाबर। बाबर की घोषणा, हारते ही बाबर ने क्या घोषणा किया, सबसे पहले क्या करते हैं, कहते हैं कि गाजी जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करते हैं, लेकिन इससे पहले क्या, जिहाद की घोषणा करते हैं,
जिहाद की घोषणा करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि ये कहते हैं कि जिहाद यानी कि गैर मुस्लिम यानी कि जो हिंदू राज्य है इनको समाप्त करके हम लोग समझिए कि इस्लामी राज्य यहाँ पे स्थापना करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं धर्म के आगे सब लोग मजबूर हैं, क्योंकि धर्म ऐसी अफीम है कि उसके नशे में सब लोग आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले फिर क्या कहे थे ध्यान दीजिएगा कि शराब पे, जो शराब यहाँ पे चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक, इस पे हम प्रतिबंध लगा देंगे। ठीक, इस पे प्रतिबंध लगा देंगे। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, जो कर है उसको हम माफ़ कर देंगे। फिर इनके सैनिकों में जान आ गया, फिर वो क्या होता है, फिर एक खानवा का युद्ध जीतते हैं राणा सांगा के विरुद्ध। ठीक, अब देखिए इनकी मृत्यु क्या होती है, 27 दिसंबर 30 में आगरा में इनकी, बाबर की मृत्यु हो जाती है। इनको सबसे पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया जाता है, फिर क्या होता है इनको ले जा करके काबुल में दफनाया जाता है। ठीक, वर्तमान में काबुल में ही है। आइए देखिए, ये बता चुके दफनाया जाता है कहाँ पे, आरामबाग में आगरा के। फिर बाद में क्या होता है, काबुल में उसके द्वारा काबुल में दफनाया जाता है। ठीक, फिर इनके बाद कौन राजा बनते हैं, इनके बाद इनके चार पुत्र होते हैं, हुमायूं, असगरी, हिंदान और कमरान। तो क्या करते हैं, सबसे योग्य कहावत है, देखिए इनकी मृत्यु पहले कहानी जान लीजिए, जो बस मात्र एक जैसे कहानी है, मान्यता नहीं है लेकिन किताबों में है। ये कहा जाता है कि इनके जीवन काल में ही 30 में ही हुमायूं की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो ये क्या करते हैं, ये समझिए कि प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, समझिए कि कहीं मज़ार पे जाते हैं, कहते हैं कि आप हमारी जान ले लीजिए, हमारे पुत्र को बख्श दीजिए। समझिए कि उसी दिन से इनकी तबीयत, बाबर की तबीयत ख़राब होने लगती है और हुमायूं वहीं से स्वस्थ होने लगते हैं और अंततः 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, और बाबर को समझिए कि जो आप देखिए यहाँ पे बार बार क्यों हम जोड़ दे रहे हैं, आराम बाग, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, फिर समझिए हुमायूं ने उनको काबुल में ले जाके दफनाया। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत से बाहर किसका मकबरा है, तो इनका भी है काबुल में और जहांगीर का आज के डेट में लाहौर में है। ठीक, आइए अब देखिए जो इनकी बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा या तुझ के बाबरी, ठीक, तुझ के बाबरी, इसकी भाषा क्या है, ध्यान दीजिए सबसे पहले इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा देखिए तुर्की है, तुर्की है, ठीक, तुर्की है। अब देखिए इसको फारसी में किसने अनुवाद किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना, वही अब्दुल रहीम खाने खाना जो अकबर के कार्यकाल में थे, बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक, तो इनकी रचना जो फारसी में हुई थी अकबर के कहने पे, अनुवाद अकबर ने अनुवाद विभाग की 1580 में अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। तो ये समझिए कि फारसी में ट्रांसलेट करवाएं तुर्की का, किससे, अब्दुल रहीम खाने खाना की। अब देखिए बाबर ने मुबायान नाम से पद शैली के जन्मदाता थे, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मुबायान एक शैली होती है, ईरानी शैली होती है, लेखन शैली होती है, उसके जन्मदाता कौन है, बाबर है। अब ध्यान दीजिए कि बाबर की मृत्यु के बाद इनका जो योग्य और बड़ा पुत्र था हुमायूं था, तो उसको ये उत्तराधिकारी चुनते हैं। तो देखिए ये कहा जाता है हुमायूं थे, फिर इनके चार पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, असगरी और हिंदाल, तो सबको अलग अलग राज्य बांट दिए। अब यही समझिए कि राज्य बांटने के कारण हुमायूं का पतन हो गया, जब हुमायूं सत्ता पाते हैं तो पतन हो गया। ठीक, आइए देखिए जो बताए थे, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, देख लीजिए बाबर ने 1507 ईस्वी में, पहली डेट आप याद करिए, 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया था, कौन, बाबर, यानी कि सुल्तान की उपाधि त्याग करके। ठीक, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक, 5 बार आक्रमण किया था, जो समझिए कि जो मात्र एक आक्रमण है काम का, वो है पानीपत का आक्रमण, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, इनके चार पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। अब ध्यान दीजिएगा हुमायूं को तो राजा बन जाते हैं बाबर, भारत का बादशाह बन जाते हैं, कमरान को कंधार और काबुल मिल जाता है, ठीक, इनको मिल जाता है। अब समझिए कि अस्करी को संभल मिल जाता है, अब हिंदाल को अलवर मिल जाता है। ठीक, अब इस कारण से झगड़ा ना हो, अब समझिए कि यही सबसे बड़ा कारण है कि हुमायूं की का पतन
सुनिश्चित हो गया। ठीक, अब समझ, इसीलिए समझिए भागते इधर उधर दौड़ते ही रहे, कभी समझिए एक जगह स्थायी तो नहीं रह पाए। ठीक, आइए, फिर बाबर को काबुल में दफनाया गया। किसने दफनवाया था? हुमायूं ने। ठीक, बाबर ने गज़ बाबरी नामक एक मापक किया था। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, अब वही जो युद्ध बताए हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, इस युद्ध नीति में देखिए 1526 में होता है, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराजित करता है। फिर इसी में तोपखाने का प्रयोग होता है, इसी युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग होता है। इस युद्ध की नीति क्या थी? नीति क्या थी? ठीक, या पद्धति क्या थी? यानी कि तुगलुमा पद्धति पर आधारित था। ठीक, इनके तोपची कहाँ थे, उस्ताद कहाँ थे? ठीक, अब देखिए, अब जो यही है इसमें, ठीक, जो तोप का भी देखिए आएगा, तोप का प्रयोग किया गया। प्रथम युद्ध जो था पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी पराजित हुए, और समझिए कि पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग हुआ था। ठीक, अब देखिए खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 27 में, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। बाबर ने राणा सांगा को हरा देते हैं, यानी कि राणा सांगा, देखिए कारण क्या था, इस युद्ध होने का कारण क्या था। अब राणा सांगा, देखिए बिना कारण से कुछ हो नहीं सकता, इस युद्ध का, खानवा के युद्ध का कारण क्या था, कारण क्या था? अब कारण ये माना जाता है कि जब बाबर इब्राहिम लोदी को हरा दिए, तो ये क्या कहें कि अब यहां से आप जाइए, कहाँ से? भारत से, बाबर से को। लेकिन बाबर नहीं गए हैं, तो इस कारण बाबर ने इनको भी, राणा सांगा को भी पराजित कर दिया। ठीक, अब देखिए चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध होता है 28 में। ठीक, 28 में, अब समझिए मेदिनी राय, मेदिनी राय थे। ठीक, अब मेदिनी राय को भी बाबर पराजित करते हैं। देखिए एक कहा जाता है भारत में कोई युद्ध हारे ही नहीं, भले वहां अपने यहां हारे थे काबुल में और समरकंद में, फरगना में, वहाँ हारे थे, लेकिन भारत में कोई भी युद्ध हारे नहीं थे। फिर देखिए घाघरा का युद्ध, ये इनका अंतिम युद्ध था। किसका? बाबर का। अब देखिए इसमें क्या होता है, अफगान जो शासक बचे थे, कौन अफगान बताए थे ना, दिल्ली सल्तनत वाले अफगान, लोधी के अपना अफगान, यानी उनके भतीजे, भतीजे भांजे जो जहाँ थे वो भी अफगान ही थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश अफगान का लोधी ही था। तो ये क्या कि अफगान को भी हरा करके उनको समाप्त कर देते हैं। ठीक, और घाघरा का युद्ध घाघरा के तट पे लड़ा गया था, और ये समझिए कि 29 में, और समझिए कि ये जल और थल दोनों पर लड़ा गया। ठीक, जल और थल दोनों पर लड़ा गया ये युद्ध था, यानी कि बाबर का अंतिम युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। ठीक, दोनों में लड़ा गया था बाबर ने गाजी, ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर बता भी चुके हैं, गाजी की उपाधि धारण कब करते हैं? जब खानवा का युद्ध जीत लेते हैं तो गाजी की उपाधि धारण करते हैं। जो समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन जितना ज़्यादा आ जाता है, समझिए राजनीतिक से, अब राजनीति से उतना क्वेश्चन अकबर से नहीं पूछता है। ठीक, रीज़न क्या है, अकबर का जो क्वेश्चन पूछता है उनका धार्मिक नीति पूछता है, स्थापत्य कला पूछता है, और फिर उनकी साहित्य पूछता है। ठीक, अब वहाँ के समझिए कि विजय विस्तार बहुत ज़्यादा वहाँ से नहीं पूछता है, लेकिन ये समझिए कि 4 वर्ष तक भारत में राज किए, 4 वर्ष में समझिए कि 4 लोगों को हराते हैं, और भारत में उपाधि जो धारण करते हैं वो गाजी की, किस युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद। इसी युद्ध के बाद जिहाद की भी घोषणा करते हैं, ध्यान दीजिए जिहाद की घोषणा करते हैं। ठीक, इसी युद्ध में समय तमगा नामक कर था उसको समाप्त करने की घोषणा करते हैं, शराब पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हैं। ठीक, अब देखिए, आइए, अब देखिए बाबर ने अपनी कथा, आत्मकथा थी बाबरनामा, अब इसमें 7 राजाओं का वर्णन किए हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें तुझके बाबरी में 7 राजाओं का वर्णन किए हैं, जो हम बता चुके हैं, 5 मुस्लिम शासक, 5 मुस्लिम राजा और 2 हिंदू राजा, 2 हिंदू राजा। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़े विवेकी थे, यहाँ पे देख लिए इनके, ये सब इनके समकालीन, कौन सबसे शक्तिशाली राजा था? तो ध्यान दीजिए कि ये जो राणा सांगा थे, राणा सांगा, ठीक, ये कहते हैं ये बहुत शक्तिशाली राजा थे। अब दूसरे हिंदू राजा कौन थे? कृष्ण देव राय, कृष्ण
कृष्णदेव राय, एक कृष्णदेव राय कौन थे, वही विजयनगर के तुलु वंश के जो थे, यानी अजय राजा, एक कृष्णदेव राय का वर्णन करते हैं। दो हिंदू राजा में देखिए, दो हिंदू राजा देखिए, सात राजाओं का वर्णन किए हैं अपने तुझके बाबरी में, ये तुर्की में लिखी गई है, जिसमें देखिए बंगाल, मालवा, दिल्ली, गुजरात, बहमनी, ये पांच है मुस्लिम राजा, मुस्लिम शासक। और विजयनगर और मेवाड़, यानी कि विजयनगर अब समझिए कि ये कृष्णदेव राय और मेवाड़ के राणा सांगा, इनका भी वर्णन करते हैं। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने खाना करते हैं, ठीक, अब्दुल रहीम खान ने खाना करते हैं, ठीक। अब देखिए हुमायूं, अब देखिए इनकी मृत्यु हो गई तो राजा कौन बना, उत्तराधिकारी कौन बना, इनका जो हुमायूं एक ऐसे राजा हैं जो इनका कार्यकाल दो भागों में विभाजित है, पहला 30 से 40 तक, फिर 55-56 में। अब क्यों, अब जानिए क्यों इनका दो भाग में विभाजित है हुमायूं, उत्तराधिकारी, देखिए ऊपर बता चुके हैं, बड़े पुत्र योग्य पुत्र थे, इसलिए इनको बाबर ने उत्तराधिकारी घोषित कर किए। अभी उत्तराधिकारी घोषित हुए तो जो और तीन भाई थे उनको अलग अलग राज दे दिए, जो इनके विनाश का बहुत बड़ा कारण बनता है। सब समझिए कि बगावत खड़े कर दे, बगावत कर देते हैं लास्ट में, ठीक। आइए देखते हैं हुमायूं, अब दो काल क्यों है, क्योंकि आप शेरशाह सूरी का नाम सुने हैं, जो भारत में द्वितीय अफगान वंश थे की स्थापना, भारत में बता रहे हैं द्वितीय अफगान, वो भी अफगान थे, शेरशाह सूरी अफगान थे, यानी कि वो क्या करते हैं, वो उनकी एंट्री हो जाती है भारत में, ठीक, उनकी एंट्री भारत में हो जाती है। तो समझिए कि जो 40 से 55 तक, यानी 15 साल तक जो शासन था, अब जो हुमायूं का इधर उधर घूम निर्वासन का काल था, अब कहाँ जाते हैं वो समझिए कि फिर वो एक कंधार चले जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, ठीक, फारस चले जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, जैसे वीरसाल हैं गुजरात के, वो राजस्थान के, उनके पास जाते हैं, फिर देखिए फिर यहाँ से फिर आते हैं, फिर पुनः आते हैं, फिर 1 साल तक रहते हैं सत्ता में, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 56 में। तो देखिए एक आता है कि ये इनका जो है युद्ध तो बहुत किए हैं, लेकिन ये कोई विजय बहुत बड़ी नहीं किए हैं, ये क्यों, कारण क्या था विजय ना करने का। ये कहा जाता है कि ये पूरे जिंदगी ये लड़खड़ाते ही रहे, ठीक, यानी कि एक युद्ध जीते नहीं, दूसरे युद्ध पे की नीतियां बनाना शुरू किए, फिर उसको छोड़ करके दूसरा करते थे, फिर उसको छोड़ करके दूसरा करते थे, यानी कि समझ 7-8 युद्ध किए, और समझिए कि सब में मैक्सिमम मतलब पराजित ही हुए हैं, यहाँ तक कि समझिए चौसा के युद्ध में पराजित हो करके चले जाते हैं, ठीक। फिर समझिए लौटते हैं 55 में, चौसा का युद्ध जो होता है 1539 ईस्वी में होता है, तो शेरशाह सूरी जो थे इनको पराजित कर देते हैं, फिर एक गंगा नदी में गिर जाते हैं। फिर इनको देखिए हुमायूं को एक निजाम भिश्ती नामक एक जो नाविक था, जो मछुआरा था, वो इनको हुमायूं को बचाता है, तो फिर हुमायूं उसको एक दिन का शासक बनाते हैं, निजाम भिश्ती को, निजाम भिश्ती को कहा जाता, यही निजाम भिश्ती जो चमड़े का सिक्का चलाया था भारत में, चमड़े का सिक्का, ये उसका जब उसको बचा दिए तो ये तो राजा थे बादशाह थे, तो उससे कहें कि आप अपनी ख्वाहिश बताइए आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो भी ऐसी ख्वाहिश बता दिए कि हमें भारत का एक दिन का राजा बना दीजिए, तो वो बना भी देते हैं, ठीक। और फिर देखिए क्या क्या है ये, कि कहा जाता है ये ज्योतिष पे बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, कौन, हुमायूं, 7 दिन में 7 कलर के कपड़े पहनते थे, 7 दिन में 7 कलर के कपड़े पहनते हैं, और समझिए कि जहाँ पना नगर नगर की स्थापना करते हैं, ठीक। फिर देखिए क्या करते हैं, लास्ट में इनकी मृत्यु कैसे होती है, कि समझिए कि वही पुस्तकालय खोलते हैं, लाइब्रेरी खोलते हैं, उस पर नमाज करते हुए समझिए वो लुढ़क करके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके कार्यकाल में अगर आ जाए रिलेटर राइटर का नाम, तो समझिए कि एक लेखनूर साहब हैं, वो इनको बताते हैं कि इनकी अपने जिंदगी में पूरा समझिए ढलमिलाते ही रहे, ठीक। अब देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए इन पे किसी भी राइटर का नाम, ये ध्यान दीजिएगा बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, तो हुमायूं के बारे में पूछे तो मात्र यही एक राइटर है जो हुमायूं के बारे में बताए हैं, ठीक, और शेरशाह सूरी के बारे में अगर पूछे तो शेरशाह के सूरी के बारे में मात्र एक राइटर है, अब्बास खां शेरवानी,
मात्र अब्बास खां शेरवानी हैं जो शेर शाह सूरी के बारे में बताते हैं। ठीक, अब समझिए कि ज्योतिष पे बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। अब आइए देखते हैं। ठीक, हुमायूं, बाबर के चार पुत्र थे जो पहले ही बता चुके थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल, चारों को अलग अलग राज्य देते हैं। ठीक, चारों को अलग अलग राज्य दे देते हैं। ठीक, देखिए, हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अनुसार कमरान को काबुल एवं कंधार, बताए थे ना, कमरान को जो था काबुल और कंधार दे दिए, अस्करी को संभल दे देते हैं तथा हिंदाल को अलवर दे देते हैं। इसके अलावा अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा देते हैं। हुमायूं को वास्तव में कठिनाइयां अपने पिता से ही विरासत रूप में मिली थी। क्यों, इसका तात्पर्य क्या है, पिता से मिली थी, यानी कि जो चारों पुत्र थे इनको बंटवारा कर दिए। ठीक, अब समझिए कि यहीं से इनका विनाश का प्रमुख कारण बन गया। ठीक, अब देखिए, अफगानों से लड़ाई, अफगान मतलब क्या है कि वही अफगान, अब समझिए कि लोदी वाले नहीं, सल्तनत वाले नहीं, अब अफगानों से लड़ाई, कौन अफगान, यानी कि शेर शाह सूरी की एंट्री हो चुकी थी भारत में। ठीक, देखिए, हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे। अफगान शत्रु का तात्पर्य द्वितीय, भारत में द्वितीय अफगान वंश, यानी शेर शाह सूरी जो मुगल काल को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे। हुमायूं समकालीन अफगान नेता शेर शाह सूरी था। ठीक, शेर शाह सूरी था। ठीक, यानी ध्यान दीजिएगा कि ये जो भारत से भगाने के चक्कर में थे, क्यों, क्योंकि जानते थे जो अफगान थे दूसरे, अब इससे पहले अफगान थे लोदी थे, उनको ये पराजित करके आए थे, तो ये क्या कर सोचे कि अब इनको हम हरा करके भारत से बाहर भेज देते हैं। ठीक, आइए देखते हैं, शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ, शेर शाह खां जो था शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ, और कलिंजर आक्रमण मूलतः बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास था। हुमायूं के राजकाल में अफगानों का पहला मुकाबला 32 में हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, अब हुमायूं में पहला सन 1532, आप देखिएगा, लिख लीजिएगा, दोहरिया का युद्ध ध्यान दीजिएगा, पहला जो सन इनका है यही है। ठीक, फिर उसके बाद चौसा का युद्ध आता है, अफगान के नेतृत्व में महमूद लोदी ने किया, परंतु अफगानों की पराजय हुई। ध्यान दीजिएगा, अफगानों की पराजय हुई और 1532 जब हुमायूं ने पहली बार चुनार का घेरा डाला तो उस समय यह किला अफगान नायक शेर खां के अधीन था। ठीक, शेर खां के अधीन था। अब शेर खां, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जो थे हुमायूं थे वो ज्योतिष पे बहुत यकीन करते थे, इसलिए सात दिनों में सात रंग का कपड़ा पहनते थे, वस्त्र पहनते थे। ठीक, इतना ज्यादा विश्वास करते थे ज्योतिष पे। ठीक, अब आइए, आइए, 1538 ईस्वी को जब हुमायूं गौड़ का तात्पर्य बंगाल पहुंचा, तो उसे वहां चारों ओर लाशों के ढेर तथा उजाड़ दिखाई दिया। हुमायूं ने इस स्थान का नाम जन्नताबाद रखा। ध्यान दीजिएगा, यानी जन्नताबाद की नींव किसने रखा है, जन्नताबाद की नींव किसने रखा है तो हुमायूं है। ध्यान दीजिएगा, हुमायूं, ठीक, बंगाल से लौटते हुए हुमायूं और शेर शाह के बीच युद्ध हुआ था। ठीक, शेर शाह के बीच युद्ध हुआ था जिसको चौसा का युद्ध, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 ईस्वी में, किसके मध्य हुआ था, बाबर वर्सेज शेर शाह सूरी, वही शेर शाह सूरी जो ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना करते हैं, शेर शाह सूरी, यानी याद आए, शेर शाह सूरी की का यानी ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने किया था, सो शेर शाह सूरी किए थे। ठीक, इसमें देखिए, चौसा के युद्ध में बाबर पराजित होते हैं और शेर शाह
विजय होते हैं। अब इसी चौसा युद्ध के बाद ये भागकर गंगा नदी में गिर जाते हैं बाबर, सॉरी हुमायूं, सॉरी हुमायूं, ठीक, हुमायूं गिर जाते हैं। और समझिए कि हुमायूं को एक निजाम भिश्ती नामक नाविक या मल्लाह या मछुआरा बचाता है। अब समझिए हुमायूं उसको एक दिन का राजा बनाते हैं और वो चमड़े का सिक्का जारी करता है। ठीक, आइए देखते हैं, वही है को युद्ध हुआ चौसा नामक स्थान पे युद्ध हुआ और जिसमें हुमायूं की बुरी तरह से पराजय हुई, पराजय हुई। ठीक, हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाता है, कूद गया और एक भिश्ती, निजाम भिश्ती जिसका नाम था, सहायता से अपनी जान बचाई। ठीक, हुमायूं यानी कि निजाम भिश्ती नामक एक मछुआरे से, नाविक से की सहायता से अपनी जान बचा लिए। फिर हुमायूं ने के उपकार के बदले उसे भिश्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया गया। अब इस विजय के फलस्वरूप शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण करके भारत में 1540 ईस्वी में, अब समझिए कि शेर शाह अफगान वंश फिर से वापस आ जाता है। ठीक, 15 वर्ष का कार्यकाल मुगल का कार्यकाल है ही नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि वो भाग जाते हैं अब यहीं के बाद। ठीक, उपाय धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का ढरवाया। ध्यान दीजिएगा, शेर शाह सूरी क्या थे, ये देखिए सुल्तान बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं, तो खुतबा पढ़वाते हैं अपने नाम से सिक्का भी जारी करवाते हैं। और समझिए क्या करते हैं शेर शाह सूरी, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करते हैं। ठीक, और स्थापत्य कला में पटना की स्थापना करते हैं। और समझिए कि अभी बहुत आएगा, या इनका मकबरा जो सो बहुत फेमस है शेर शाह सूरी का, सासाराम में है, ये माना जाता है जल में वो सब मतलब तालाब में है, अभी आएगा उसको बताएंगे। फिर देखिए फिर क्या करते हैं, 40 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पुनः परास्त होते हैं। कौन? हुमायूं। बताए थे ना जो नेपलून थे वो इनको कहते थे, लड़खड़ाते थे, यानी कि एक जीतते नहीं थे, दोबारा दूसरा हारने के लिए तैयार रह होते थे। ठीक, जो निर्णायक सिद्ध हुआ। अब समझिए कि इसी के बाद अब ये चले जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, अपनी जान बचाते हैं। इसी से निर्वसन दौरान के समय में ही इन 42 में अकबर का, इसी जब ये घूमते रहते हैं इधर उधर अपनी पत्नी को लेकर के, तो इसी निर्वसन काल में ही अकबर का जन्म होता है। ठीक, अब देखिए कन्नौज युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार पुनः, वेरी इंपॉर्टेंट, अफगानों के हाथ में चली गई। ठीक, जो अफगान थे यानी कि भारत में द्वितीय अफगान कौन थे, शेर शाह सूरी की स्थापना होती है। अब ध्यान दीजिए, अपने निर्वसन काल में के दौरान ही हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम, ठीक, हमीदा बानो बेगम यानी कि जब यहाँ से बिलग्राम के युद्ध से, कन्नौज के युद्ध से हार के इधर उधर घूम रहे थे, तो इनके गुरु जो थे, आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली, इनकी पुत्री जो थी हमीदा बानो बेगम, उनसे विवाह करते हैं। और विवाह के समझिए कि विवाह करते हैं और विवाह के कालांतर में अकबर का जन्म होता है। ठीक, अकबर का जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है। समझिए कि अकबर का जन्म, जब पढ़ाएंगे अकबर तो जान लीजिएगा, अकबर का जन्म कहाँ पे होता है, वीर साल नामक एक राजा होते हैं राजस्थान में, उनके यहाँ होता है अकबर का जन्म। ठीक, यानी कि अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ठीक, अब देखिए हुमायूं की पुनः सत्ता की प्राप्ति, पुनः सत्ता की प्राप्ति, अब ध्यान दीजिएगा, फरवरी 55 में यानी 1555 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिए। कौन? हुमायूं। 15 मई 55 को मुगल और अफगानों के मध्य सरहिंद में युद्ध होता है नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में अफगान नेता का नेतृत्व सिकंदर सूर तथा मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां किया और अफगान बुरी तरह से पराजित हो गए। ठीक, अफगान बुरी तरह से पराजित हो गए यानी कि फिर से अब देखिए मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। क्यों? क्योंकि समझिए कि 45 में ही शेर शाह सूरी मर जाते हैं। अभी शेर शाह सूरी बताएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, अलग से उसको पढ़ाना है, क्योंकि समझिए कि अभी क्योंकि मुगल पढ़ा रहे हैं, मुगल में हुमायूं, जहां तक हुमायूं और शेर शाह सूरी का संघर्ष था 40 तक,
1540 ईस्वी तक, वहाँ तक बताएं दोनों लोगों को साथ में। जब समझिए कि ये 15 साल तक थे ही नहीं राजा, तो वहाँ पे हम शेरशाह सूरी को नहीं बता रहे हैं, शेरशाह सूरी को अब समझिए कि अब सेपरेट रूप से में बताएंगे अलग से, ठीक। इस प्रकार 23 जुलाई 1555 में हुमायूं एक बार पुनः गद्दी पर बैठता है। ध्यान दीजिएगा, 55 में, यानी कि 1555 में पुनः सत्ता पे, यानी पुनः मुगल साम्राज्य पे हुमायूं बैठता है, किंतु वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका। दुर्भाग्य से एक दिन जब वह दिल्ली के दीनपनाह भवन में, यानी लाइब्रेरी एक पुस्तकालय बनाया था जिनका नाम दीनपनाह था, दीनपनाह में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तो वह गिरकर मर गया। गिरकर मर जाता है कौन? हुमायूं, ठीक, हुमायूं। और 56 ईस्वी में संसार से विदा हो जाता है। और लेन पुल बताया था, लेन पुल, इनमें लेन पुल जो है बहुत महत्व के हैं। अब देखिएगा, जब अगर हुमायूं के बारे में पूछ रहा है तो एकमात्र समझिए कि राइटर को लगाइएगा लेन पुल को, बाकी किसी को मत लगाइएगा। और समझिए कि हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए करते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी, ठीक, जान दे दी। देखिए, अब देखिए इनके थोड़ा सा यूनिक चीज़ देखिए कि कौन बादशाह है जो ज्योतिष पे सबसे ज़्यादा यकीन करता था और 7 दिनों में 7 रंग का कपड़ा पहनता था, तो हुमायूं था, ठीक। ज्योतिष में अधिक विश्वास, ठीक, ज्योतिष में बहुत बड़ा विश्वास रखते थे और सप्ताह में 7ों दिन 7 रंग के कपड़े पहनते थे। कौन? हुमायूं। मुख्यतः इतवार को पीला, शनिवार को काला और सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे। कौन? हुमायूं। हुमायूं अफीम का बहुत बड़ा शौकीन थे, ठीक, हुमायूं अफीम का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे। मुगल बादशाह में हुमायूं की एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों को सत्ता का को बांटा, ठीक। अब देखिए, अब ये कहा जाता है, अभी बता देंगे कि मुगल काल में, यानी कि इस्लामिक काल में, ठीक, उसको सल्तनत भी जोड़िए कि सबसे पहले चित्रकला की स्थापना किसके कार्यकाल में होती है? चित्रकला का की स्थापना हुमायूं के कार्यकाल में होती है, ठीक, लेकिन चरमोत्कर्ष चित्रकला का पहुंचता है जहांगीर के काल में, ठीक, क्योंकि जहांगीर के काल में जाते जाते बहुत ज़्यादा चित्रकला, इसीलिए कहे थे आपसे कि साहित्य में, साहित्य बताएंगे, वास्तुकला बताएंगे, वास्तुकला में समझिए कि चित्र, स्थापत्य वास्तुकला में चित्रकला, ठीक, यानी कि जो सल्तनत में नहीं था, सल्तनत में चित्रकला बिल्कुल नहीं था, अब यहाँ पे आता है चित्रकला, ठीक। अब देखिए, हुमायूं लेपनील ने लिखा, हुमायूं गिरते गिरते, देखिए वही जो कमेंट बताए थे वही था। अब देखिए, मकबरा इनका, ऐतिहासिक मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, ठीक, दिल्ली की एक ऐतिहासिक इमारत में हुमायूं का मकबरा है। ध्यान दीजिएगा कि इनकी दिल्ली में है, ठीक, हुमायूं की, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और बाबर का कहाँ था? बाबर का काबुल में, बाबर का काबुल में है, ठीक, और जहांगीर का लाहौर में है, ठीक। आइए, देखिए, जो हमीदा बानो ने इस मकबरे के लिए एक फारसी वास्तुकार मीराक मिर्जा और गियास बेग को नियुक्त किया था, ठीक, ये कब का है, ये समझिए कि जब अकबर पढ़ाएंगे तब आएगा ये सब, ठीक ना, ये सब हम बताएंगे, ठीक, लेकिन यहाँ पे जानने की आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। अब देखिए, जो हुमायूं नामा है, ध्यान दीजिएगा, हुमायूं नामा, अभी देखिए, हुमायूं नामा हमें जब साहित्य बताएंगे तो बताएंगे, अकबर पढ़ाएंगे फिर भी बताएंगे, लेकिन आगे यहाँ तो जान लीजिए, हुमायूं नामा की रचना कौन किया है, ठीक, हुमायूं नामा जो पुस्तक है उसकी रचना फारसी में, समझिए कि हुमायूं ने नहीं किया है, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, ठीक, वो की हैं, लेकिन ये किसके कार्यकाल में की हैं? देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये किसके कार्यकाल में की हैं? तो अकबर के कार्यकाल में की हैं, अकबर के कहने पे हुमायूं नामा लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या कहती हैं अकबर, ये हुमायूं गुलबदन बेगम, कि बाबर की मृत्यु स्वाभाविक नहीं होती है, लोदी जो इब्राहिम लोदी हैं उनकी माँ के माँ द्वारा विष दिया जाता है, उनको जहर दिया जाता है, किसको? बाबर को, जो मात्र एक कहानी है, ठीक। आइए अब देखते हैं शेरशाह सूरी,
अब सूरी वंश में सिर्फ और सिर्फ हम आपको शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना है। शेरशाह सूरी के बारे में क्या पढ़ना है, देखिए युद्ध हम बता चुके हैं, अब समझिए कुछ ही निर्माण किए हैं, कुछ मस्जिद का निर्माण किए हैं, कुछ स्थान का निर्माण किए हैं और इनका मकबरा, ये खुद बहुत फेमस थे। अब समझिए कि ये कहा जाता है, जान लीजिए थोड़ा सा, ये बहुत और बहुत न्यायप्रिय शासक थे। इनके कार्यकाल में अब्बास खां शेरवानी, जो देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और यहाँ पे, जो अगर राइटर का नाम पूछ रहा है, इनसे संबंधित अगर कोई कथन पूछ रहा है शेरशाह सूरी के बारे में किसने कहा है, तो अब्बास खान शेरवानी। आंख बंद करके लगाइएगा, समझिए कि मां जितना कमेंट 10-12 कमेंट है, टोटल अब्बास खान शेरवानी कहे हैं। किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में जो भी कमेंट है, अच्छा बुरा, संबंधित राजा से जो भी कहे हैं, वो सिर्फ अब्बास खान शेरवानी। ठीक, अब देखिए ये कहा जाता है कि इतना ज़्यादा न्याय प्रिय राजा थे, इतना ज़्यादा न्याय की बोलबाला थी, समझिए कि कदम कदम पे समझिए कि न्याय व्यवस्था के लिए विभाग, अलग अलग विभाग खोले थे। ठीक, अब समझिए कि ये कहा जाता था कि जो अगर कोई सोना सर पे भी लेके जाता था तो लोग, कोई लूटने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लूटने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी सजाएं देते थे। अब देते देते लास्ट में इतना हो गया कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कोई अपराध करें। ठीक, अब समझिए इनका जो कार्यकाल है, मात्र 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल में उतना कुछ कर जाते हैं जो हमको और आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए वो बाध्य कर जाते हैं, क्योंकि 5 साल के राजा कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन समझिए कि ये शेरशाह सूरी इतने बड़े राजा होते हैं कि समझिए, एक अब्बास खां शेरवानी साहब ये कहते हैं, अगर 5 वर्ष तक और शेरशाह सूरी राजा होते तो मुगल का अकबर का नाम ही नहीं पता चलता, कौन अकबर है, कौन बाबर है, कौन हुमायूं है, इतिहास उनको पढ़ता ही नहीं, अगर मात्र 5 साल 10 साल तक और ये राज किए होते तो। ठीक, इतने शक्तिशाली थे, क्योंकि बुजुर्ग हुए तो राजा बने, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु कैसे होती है, जब कलिंजर का किला जीतने जाते हैं 45 में, तो समझिए कि 1545 ईस्वी में, तो समझिए कि ये कहा जाता है गोला फेंकते हैं जैसे तोप से, वैसे करके दीवार से टकरा करके फिर गोला इनके ऊपर से आ जाता है और जल जाते हैं, और जलने के कारण कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु ऐसे होती है जो स्वाभाविक नहीं है, जो एक्सीडेंटल है। ठीक, आइए देखते हैं इनके बारे में। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था, शेरशाह सूरी, ठीक, जिसने मुगल शासक हुमायूं को चौसा की लड़ाई में बुरी तरह से पराजित कर उन्हें युद्ध मैदान छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। देखिए ये बता चुके हैं, यानी कि पहला युद्ध जो उनसे हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था आमना सामना। अब चौसा के पहले युद्ध में समझिए शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देते हैं। अब किसको पराजित करते हैं, जो भारत का राजा है उस समय उसको पराजित कर देते हैं। ठीक, अब वही मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी भले ही कट्टर दुश्मन थे, लेकिन हुमायूं भी शेरशाह सूरी के पराक्रम का लोहा मानते थे। ठीक, यानी कि समझिए कि ये कहते थे कि ये इतिहास कह रहा है कि शेरशाह सूरी भले ही समझिए कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन ये आसानी से हार नहीं मानते थे। आपसे बताया था ना, आसानी से हार मानने वाले हुमायूं थे ही नहीं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। अब समझिए कि देखें ना, कितना ज़्यादा युद्ध लड़ रहे हैं, भले नहीं हार रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं, अंततः सफलता मिली, अंततः हुमायूं को सफलता मिल जाती है, दोबारा गद्दी पर बैठते हैं, भले एक ही साल के लिए बैठे तो। फिर देखिए चौसा के बाद ही शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि से नवाजा गया। ठीक, तो आइए जानते हैं कि हिंदुस्तान में सूर साम्राज्य की नींव रखने वाले शेरों के शिकार और शौकीन के कारण इनको, देखिए एक कहानी है, ये कहा जाता है कि इनके पिताजी जौनपुर के जो शासक थे उनके यहाँ क्या थे कि सामंत थे, तो ये आते हैं यहाँ पे जौनपुर, तो इनकी शिक्षा जो होती है जौनपुर से होती है, किसकी, शेरशाह सूरी की। ठीक, जौनपुर को शिक्षा का केंद्र माना ही जाता था, जो बता चुके हैं, तो समझिए कि यहाँ पे होगी। तो फिर ये क्या आ जाता है कि अब वहीं पे समझिए कि एक जो शासक थे तो ये शेर मार दिए,
कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, शेर मार देते हैं, तो इसके कारण समझिए कि इनकी उपाधि जो होती है शेर शाह सूरी की हो जाती है, शेर खां की हो जाती है। ठीक, तब राजा नहीं बने थे। शेर शाह सूरी का इतिहास देखिए, ध्यान दीजिएगा। शेर शाह सूरी यानी बचपन का नाम फरीद खां था, ध्यान दीजिएगा कि बचपन का नाम फरीद खां था, और शेर खां जो इनकी उपाधि है। जन्म देखिए, जन्म का कोई वो नहीं है। ठीक, जो हरियाणा के रोहतास के सासाराम जिले में, हरियाणा नहीं, ये देखिए लिखा है थोड़ा वैसे, ठीक ठीक ना, यानी कि जन्म जो कहाँ होता है, हिसार, हिसार कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक, जो इनका कब्रस्तान, जो इनका मकबरा कहाँ पे है, वो सासाराम में है, बिहार में। ठीक, बिहार में है। मृत्यु देखिए कैसे होती है, मृत्यु 45 ईस्वी में यानी 1545 ईस्वी में होती है। मृत्यु मृत्यु आप जान लीजिए बहुत बड़ा कारण है मृत्यु का, कैसे मरते हैं, कोई मारता नहीं है ना अपने से मरते हैं, लेकिन देखिए मरने का, देखिए बुंदेलखंड या कलिंजर का जब गए थे विजय करने के लिए, तो समझिए कि ये बताए थे ना उस दीवाल पे, दीवाल पे समझिए बम मारे हैं, गोला मारे हैं बारूद से, फिर वापस आ गया, फिर जल गए, फिर मर गए। तो समझिए कि मेवाड़, फिर मेवाड़ विजय के लिए जाते हैं, वहाँ पे इन पे आक्षेप भी लगता है, तो समझिए जीत के तो आते हैं लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता है, और समझिए कि बहुत समझिए कि हताश हो जाते हैं। तो उसी में एक कमेंट क्या करते हैं, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने अपनी पूरी सल्तनत लगा दी, यानी कि मिला कुछ नहीं, वहां से क्या मिलता मेवाड़ से, तो यानी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने अपनी पूरी सल्तनत उसमें झोंक दिया। तो ये कमेंट इन्हीं का है, किसका, शेर शाह सूरी का। ठीक, इनके पिता कौन है, पिता हसन खां सूरी, जो कोई मतलब का नहीं है, पत्नी भी कोई मतलब का नहीं है। ठीक ना, स्मारक देखिए, स्मारक वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक ये है आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से अलग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लेकिन हम फिर इसको बताएंगे स्थापत्य कला में। दिल्ली के पुराने किले यानी कि पुराने किले का निर्माण करते हैं। ठीक, अब देखिए किला ए कोहना, किला ए कोहना दिल्ली में एक मस्जिद बनवाते हैं, रोहतास का किला बनवाते हैं, और पटना, पटना में, और शेर शाह सूरी मस्जिद बनवाते हैं, और अपना समझिए कि मकबरा भी बनवाते हैं, कहाँ पे, सासाराम में। ठीक, किताबें अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब्बास खां नाम शेरवानी है, ठीक ना, अब्बास खां शेरवानी जो है ये किताब नहीं लिखे हैं, जो इस किताब लिखे हैं समझिए कि इसमें, समझिए कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बता दे रहे हैं, जो अब्बास खां शेरवानी है। ठीक, तारीख ए शेरशाही, ठीक, ये समझिए कि ये रचना है अब्बास खां शेरवानी की, अब्बास खां शेरवानी की। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, इसी में यही अब्बास खां शेरवानी है जो जो शेर शाह सूरी के बारे में वर्णन करते हैं, और समझिए कि तारीखें शेरशाही की के लेखक हैं, लेकिन ये लिखवाया कौन था, किसके कार्यकाल में लिखे थे, कार्यकाल में लिखे थे, ये लिखे थे अकबर के कार्यकाल में, ध्यान दीजिएगा अकबर के कार्यकाल में लिखे थे, तारीखें शेरशाही। ठीक, आइए देखिए शेर शाह सूरी का मतलब जन्म और शुरुआती जीवन देखिए, जान लीजिए थोड़ा सा, इसको हम तो बता ही चुके हैं मगर जान लीजिए, जो आपको जानना था वो बता चुके हैं। ठीक, जन्म इनका अलग अलग मानते हैं क्योंकि हम इनको डेट ऑफ बर्थ हमको याद नहीं करनी है। ठीक, तो इसलिए जन्म का सन आप बिल्कुल मत जानिए। देखिए इसमें मात्र और मात्र आप समझिए कि दो सन जानी है शेर शाह सूरी को पढ़ते हुए, चौसा का युद्ध और इनकी मृत्यु, बाकी कोई सन मत जानिए। यानी कि शेर शाह सूरी के आगे आप शेर शाह सूरी जहाँ पढ़िएगा वहाँ पे मात्र दो सन लिखिएगा, 40 और 1545, यानी कि 1539, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, चौसा का युद्ध होता है, चौसा के युद्ध में जीतते हैं, यहाँ पे समझिए कि राज्यारोहण करते हैं, राज्यारोहण करते हैं यानी कि भारत का शासक बनते हैं, और 45 में इनकी मृत्यु, बाकी आपको कोई सन नहीं याद करना है। अगर ये सब सन याद करने लेंगे फिर दिक्कत आपको हो जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे कि इतिहास बहुत टफ लग रहा है पढ़ने में। ठीक, तो मात्र आपको समझिए कि तीन सन याद रखना है, चौसा का युद्ध और राज्यारोहण कब होता है और उनकी मृत्यु कब होती है। ठीक, आइए
इनके पिता हसन खां एक जागीरदार थे, शेर शाह को बचपन में फरीद बताया था ना, कई बार पूछा हुआ है, बहुत शिक्षित राजाए थे, ठीक, बहुत सुलझे हुए राजा थे, बहुत न्यायप्रिय राजा थे शेर शाह सूरी, ठीक ना। अब बचपन में फरीद खां नाम था, वहीं जब 15 साल के हुए तो अपना घर छोड़ करके जौनपुर चले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा जौनपुर चले जाते हैं, ठीक, जौनपुर चले गए जहाँ पर शेर शाह ने फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक ना। यानी कि आपको ये समझ, बस ये जानना है कि बहुत बहुत बड़े शिक्षित थे, यानी कि जैसे सल्तनत काल में सबसे शिक्षित बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक था, और इसीलिए ये भी बहुत शिक्षित थे। लेकिन समझिए इनके उल्टे अकबर निरक्षर थे, अकबर पढ़े लिखे नहीं थे बहुत। अकबर के पिता हुमायूं ने बहुत उनके लिए समझिए कि पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं अकबर, ठीक। उनके पिता शेर शाह के प्रशासनिक कौशल को देखते हुए एक परगने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद शेर शाह सूरी ने उस समय किसानों के दर्द को समझा और सही अलग अलग कर किसानों को दिलवाया एवं भ्रष्टाचार मिटाने का फैसला किया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब किसान की बात होती है तो यहाँ पे एक बात चलिए, जो भूमापक करवाए थे, ठीक, भू सर्वे, ठीक ना, वो रई पद्धति पर करवाए थे, ठीक। और ये समझिए कि रुपया चलाए थे, सिक्का रुपया चलवाए थे, और टंका नहीं चलवाते, जो इनका था वो रुपया था। और समझिए कि ये क्या करवाते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो अब समझिए कि जो NH है उसका निर्माण करवाते हैं, ठीक। फरीद खां कैसे बना शेर शाह, तो देखिए बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं, जो है वो बता चुके हैं, लेकिन देख लीजिए 1522 ईस्वी में शेर शाह को बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खान लुहानी का सहायक नियुक्त किया गया, और इसके शेर खां की बुद्धिमत्ता और कुशलता को देखते हुए बहार खां ने उन्हें अपने बेटे जलाल खां के टीचर के रूप में नियुक्त किया, यानी कि जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किए इनको, ठीक। फिर एक दिन बहार खां ने शेर शाह सूरी को शेर का शिकार करने का आदेश दिया, जिसके बाद शेर, देखिए वही कहानी जो आपको बताए थे, शेर को मार देते हैं मुकाबले में, तो इनका ये समझिए कि शेर खां की उपाधि इनको मिल जाती है, ठीक, शेर खां की उपाधि मिल जाती है, ठीक। आइए इनके शासन देखते हैं, ठीक, शेर शाह के शासन। शेर शाह सूरी जनता की भलाई के बारे में सोचने वाला लोकप्रिय और न्यायप्रिय शासक था, जो बता चुके हैं आपको, ठीक। उसने अपने शासनकाल में जनता के हित के कई काम किए, जो इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। शेर शाह सूरी ने सबसे पहले रुपया, आपको बताया था ना, ये समझिए कि ये कुछ और नहीं चलाते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, टंका और जीतल नहीं चलवाते हैं, ये चलवाते हैं रुपया, ठीक, रुपया की शुरुआत की है। ध्यान दीजिएगा कि रुपये का शुरुआत करने वाला शासक कौन है, तो शेर शाह सूरी है। फिर भारत में पोस्टल विभाग की स्थापना करते हैं, ठीक ना, भारत में पोस्टल विभाग की स्थापना करते हैं, जो समझिए कि आधुनिक काल में पोस्टल यानी डाक विभाग की स्थापना समझिए कि डलहौजी करते थे, ठीक है। अब देखिए शेर शाह सूरी ने विशाल विभाग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाते हैं, ठीक। आपको बता दें कि सूरी जी दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जोड़ने के लिए कोई वो बहुत मतलब का नहीं है, ठीक, जो मस्जिद है वो बना चुके हैं, बता चुके हैं आपसे, देखिए इनकी मृत्यु भी बता चुके हैं आपसे, कैसे इनकी मृत्यु होती है, कलेंजर के किले पर अपनी जीत हासिल तो कर ली, लेकिन 1545 ईस्वी में हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ करके ये चले गए हैं, यानी कि मृत्यु 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब देखिए इनके बाद इनके बेटे आते हैं, बेटे समझिए कि बहुत निकम्मे थे, कोई मतलब का नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद समझिए, बताए थे ना, जब इनके बेटे आते हैं तो समझिए कि 1555 ईस्वी में समझिए हुमायूं उनको पराजित करके
पूर्ण रूप से भारत से लोदी वंश वो अफगान वंश की समाप्ति कर देते हैं। ठीक, अब देखिए शेरशाह का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में बना हुआ है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के जीवित रहते ही शुरू करवा दिया गया था। सोच लीजिए, अपने रहते ही अपना मकबरा बनवा लिए थे। ठीक, लेकिन शेरशाह सूरी की मौत के करीब 3 महीने के बाद 45 मतलब मई में मरे थे, 3 महीने बाद 1545 में इस मकबरे का निर्माण पूरा किया गया था। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मीर मुहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। समझिए कि बहुत मतलब का नहीं है, याद हो तो याद कर लीजिएगा कि समझिए कि कौन वास्तुकार था, कौन निर्माण किया था, कौन क्या किया था। बहुत मतलब का नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब का है, कहाँ पे इनका मकबरा है, सासाराम में बिहार में समझिए मकबरा है, और समझिए कि उस पर जो पद्धति जो इस्तेमाल की गई है वो ज़्यादा उसमें समझिए उसमें भारतीय और इस्लामी यानी कि इंडो इस्लामिक जो समझिए कि सल्तनत में थी, सल्तनत में भी ईरानी और भारतीय का उस पर छाया दिखता था, यहाँ पर भी वही था। ठीक, साहित्य। अब देखिए साहित्य कोई बहुत वो मतलब का इनका नहीं है, साहित्य भी नहीं लिखे हैं, कोई रचना भी नहीं किए हैं, लेकिन ये जानकार बहुत ज़्यादा थे। समझिए बताए थे ना, समझिए कि बहुत ही समझ शिक्षित थे, अपने जीवन काल में ही कई ग्रंथ पढ़े थे, उसमें हिंदी अरबी फारसी भाषा का भी काफ़ी ज्ञान था। शेरशाह के साहित्य से बहुत ज़्यादा लगाव था, ये समझिए कि आप देख लीजिए एक बार सुन लीजिए, साहित्य से बहुत ज़्यादा लगाव था। अपने आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेरशाह को गुलिस्तां, बोस्ता और सिकंदरानामा समेत कई ग्रंथ मुझबानी याद थी। ठीक, कई ग्रंथ ही मुझबानी याद थी, कोई रचनाएं नहीं किए थे। ठीक ना, अब वहीं शेरशाह सूरी किताबों में लिखी हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते थे। सोच लीजिए, ये जो पढ़ते थे उसको बस अपने जीवन में प्रशासन में और सब में उतार लेते थे। ठीक, अब देखिए जो फसलदार सूची तैयार करते थे, ये देखिए ये कहा जाता है कि जो कर लेते थे अपने समय में, जो कर लेते थे 1/3 राजस्व था जो सब जगह था, लेकिन जो मुल्तान में था, मुल्तान में 1/4 कर लेते थे। ठीक ना, इनका राजस्व कोई बहुत आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो वो बहुत वो नहीं, क्योंकि उतना शासन स्थापित नहीं कर पाए थे 4 साल में कि इनको बहुत ज़्यादा वो किया जाए। अब देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। ध्यान दीजिएगा, पट्टा तो अभी भी होता है लेकिन कबूलियत अब इस समय नहीं है। अब कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत जो राजस्व से संबंधित है, जो भूमि से संबंधित है, तो समझिए कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की है। और पुराना किला के निर्माण जो शेरशाह सूरी करवाया था दिल्ली में, अब रोहतासगढ़ के किला भी का भी निर्माण कर, रोहतासगढ़ पुराना किला कबूलियत पद्धति। ठीक, और देखिए दिल्ली में किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। ठीक ना, इनका बताए थे ना आपसे शुरू में, इनका जो है निर्माण समझिए कि स्थापत्य कला जो सबसे फेमस जो क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है, स्थापत्य कला से आता है। ठीक, अब समझिए कि सूर साम्राज्य का अंतिम शासक आदिल शाह था, शासक आदिल शाह था जो समझिए कि ये भी सूर था। ठीक, अब समझिए कि ये अंतिम बादशाह, ठीक, यानी कि सूर साम्राज्य यहीं पे समाप्त होता है। समाप्त कब होते हैं ध्यान दीजिएगा, बताए थे ना जब हुमायूं पढ़ाए थे, तो हुमायूं के दोबारा जब राज्य ग्रहण करता है 1555 ईस्वी में, तो समझिए कि 1555 ईस्वी में इनको समझिए कि हुमायूं पराजित करके मार देते हैं, और समझिए यहीं से द्वितीय अफगान वंश की भी समाप्ति हो जाती है। और समझिए कि अब कभी भी भारत में अफगान नहीं दिखेंगे। ठीक ना, ये अंतिम रूप से भारत में अफगान समझे समाप्त हो जाते हैं, और दूसरे अफगान, पहले अफगान लोदी और दूसरे अफगान सूर। ठीक, तो आज यहीं तक के लिए, और अगला क्लास समझिए कि जो बचा है मुगल काल का, अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, औरंगजेब हैं, वो बताएंगे। ठीक, थैंक यू।